अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अज असा जो है सो लालबाग खैरपुर में वेठा आयो। अज जी तो पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जो है सो कश्मीर डे सेलिब्रेट किया तो वे तो अड़े लिहाज से जो है सो अजोक ढीह जो मकसद है पाकिस्तान में तो अस कश्मीर के आवाम से गड आए उन यकजहती चाहूँ जो हिंदुस्तान की फौज जो है सो कश्मीर में जैसे जुलम कर रहा है वे दुनिया का जैसे गुजाल कल ना अड़े लिहाज से अज जो है सो अस कश्मीर के आवाम से गड आयो अस पुरजोर तरीके से जो है हिंदुस्तान की फौज के खिलाफ जो है मजामत था क्यों तो यूनाइटेड नेशन के भी इन मीडिया के जरिए चूं था जे हिंदुस्तानी फौज जो है सो हिंदुस्तान गवर्नमेंट जो कश्मीर के आवाम के कत्ल गारत कर रही है और न्याणी जहाँ जैसे रेप कर रही है उनके मारे रही है जिंदा दफन कर रही है इन जुल्म के जो इंसानियत के खिलाफ दरंदगी जो आवाज़ उथारे है उन जुल्म के जो है सो खत्म किया वे बंद किया वे कश्मीर के जैसे यूनाइटेड नेशन गडियल कौम के इदारे जैसे 1948 में जैसे यही शबा एक बिल पास क्यों कश्मीर के आवाम के यो हक है पाकिस्तान से शामिल थे चाहन था या कश्मीर हिंदुस्तान से शामिल था चाहन तो कश्मीर एक मुस्लिम स्टेट है उन सभी जो है एक आवाज़ में चाहे अस पाकिस्तान से शामिल था चाहूँ तो गजल कौम के इदारे जैसे इन फैसले से अमल छो न कर सकन हिंदुस्तान फौज के जो है छो न मतलब जो बाउंड किया जैसे कश्मीर के आवाम से जिंदगी से खेले रहा है उनकी जिंदगी जो मफलूज बनाए छ्यों अज पूरी दुनिया दिसे थी तो कश्मीर जो इंसानियत में वो वैशाना जो सुलू कर वो कश्मीर के में कहें जहाँ जन्नत की वादी है उत उनके तबाही मचा छी अतं अज पूरी दुनिया जो सो दिसे थी कश्मीर जो हिंदुस्तान जो सो वही जमहूरियत के मुल्क जो दावा करे तो जमहूरियत के मुल्क जहाँ दावा ये हूँ उत आवाम के जो सो आज़ादी होंगी इो ही हिंदुस्तान पाकिस्तान से मिली कर मुसलमान से गड कर हिंदुस्तान का जो आज़ादी हासिल कई अंग्रेजन का आज़ादी हासिल कराई उन मेल कश्मीर हिंदुस्तान के पैं आज़ादी की गाल याद हुई उन्होंने जुदा पैं मुल्क अज कश्मीर के आवाम जो ये बुनियादी हक ना तो उसे आज़ाद रहन था चाहन तो हिंदुस्तान जो सो आज़ादी हासिल कई पाकिस्तान आज़ादी हासिल कई एक मजहब के कौम के ट्रेडिशन कल्चर जो से हिंदुन का जैसे मुसलमान जो जुदा पाकिस्तान एक जुदा मुल्क है अड़े तरीके से सो कश्मीर आवाम जो सो मुस्लिम मुल्क है मुसलमान हैं उनके ट्रेडिशन कल्चर जो हिंदुन का जुदा है कदें भी जो हिंदुस्तान से मिली ना सकन तो अज हिंदुस्तान इन गाल छो न तो मतलब आमद थे तो कश्मीर के आज़ादी छो न तो दे उनकी मर्जी पाकिस्तान शामिल थे चाहन या अलहदा मुल्क कायम कर चाहन तो यह उन्होंने जो बुनियादी हक है उनके आज़ादी दिनी वे अस मीडिया के जरिए पूरी आवाम जो इन खिलाफ़ जो सो आवाज़ उथारी तो हिंदुस्तान की फौज के जो कश्मीर में जो निकल खे उनके जो सो आज़ादी दियन चाहे तो हिंदुस्तान इन छो न तो यह गाल समझे तो अस मुसलमान आयो कश्मीर जहाँ आवाम भी जैसे मुसलमान हैं कश्मीर पाकिस्तान जो इं है जी एक जिसम हो जा रूह हुजन तो अड़े लिहाज से कश्मीर ए पाकिस्तान कदम जुदा न थी सकन उड़े लिहाज से मतलब जो सो कश्मीर जो आवाम जो दिलियो आवाम मुसलमान के लिए धड़कन थी पाकिस्तान जो दिलियो जो आवाम जो दिलियो हैं वो हिंदुस्तान के कश्मीर कश्मीर के मुसलमान के लिए धड़कन थी उ सब एक कदें भी जैसे कश्मीर पाकिस्तान का जुदा न तो सके अड़े लिहाज से मीडिया के जरिए जो सो अज पुरजोश तरीके से एक एहतजाज क्यों था इंसानी हक के लिहाज से एहतजाज क्यों तो यूनाइटेड नेशन के जो सो पैं इन फैसले से अमल पैर आवान घुर्जे ए हिंदुस्तान की फौज के जो कश्मीर में निकलन खे उन सो आज़ादी दियन खे अड़े लिहाज से पूरे पाकिस्तान में अज कश्मीर डे सेलिब्रेट किया वे नंढा वा जो सब जैसे कश्मीर की हमायत में जो नारो था आन तो पाकिस्तान ए कश्मीर जो एक कश्मीर के आवाम के जो बचा हिंदुस्तान की फौज के जुल्म का जो बचा अज इो जो सो जे यूरोपियन कंट्रीज जैसे ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए एहतजाज कदा कन अज जो सो कश्मीर जो आवाम भी जो सो एक इंसान है इंसानियत के नाते उन्होंने जुल्म खत्म कर वन हिंदुस्तान की फौज के जो सो निकल खे अज अड़े लिहाज से मतलब असो भी इो ही आवाज़ है तो कश्मीर के आवाम के जो सो एक आज़ाद मुल्क तस्लीम कर वो उनके आज़ादी आज़ादी सभी जो बुनियादी हक है आज़ादी जी नेमत है कश्मीर जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद अड़े लिहाज से कश्मीर ए पाकिस्तान एक कदम भी जुदा ना थी सकन अज जो 5 फरवरी जो एक आलमी ढी तौर जो कश्मीर डे सेलिब्रेट किया वे तो अड़े लिहाज से कश्मीर के जुल्म के खिलाफ अस आवाज़ उथारियों था गुजरियल 72 साल का जो कश्मीर के आवाम से हिंदुस्तानी फौज के जुल्म ढालियान उ दुनिया के जो लिखल ना उ मीडिया के सामूँ आन अड़े लिहाज से सारी यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशन के आवाम के जो उठन खे कश्मीर के जो मसले के जो हल कराने खे यूनाइटेड नेशन जो यो ठहन इन गाल की हकीकत है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो एक गडियल कौम जो इदारो ठो था अस जंग का जो अलविदा था क्यों जंग का तौबा था क्यों सिर्फ जो सो अस अमुन के जरिए को भी मसलो हों सियासी मुआशी उनके जो डायलॉग के जरिए हल कह यूनाइटेड नेशन जो ठहन ही यो है जो सो कॉलोनाइजेशन प्रोसेस जो एंड थी वे अज है सो कश्मीर के जो जबरदस्ती हिंदुस्तान जो कॉलोनी छो बनाई वेठो है अड़े लिहाज से यूनाइटेड नेशन के पैं जो सो जो मकसद के लिए ठाई वही है उन मकसद के सामू रखी करो कश्मीर के आज़ाद कराया वे थैंक यू।